करेंगे बांसवाड़ा के साथ, जहां बांसवाड़ा में एक 12वीं की छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और उसके बाद परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो बांसवाड़ा का ये पूरा मामला है, 12वीं की छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा को जब परिजन गंभीर हालत में चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल क्या कुछ कारण आत्महत्या के पीछे रहे इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो 12वीं की छात्रा थी जिसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, पढ़ाई करते समय उसने जहर खाया। कारण फिलहाल क्या कुछ रहे हैं आत्महत्या के पीछे इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। और फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अजीत ओझा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, फिलहाल क्या जानकारी और पूरे मामले पर? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला गढ़ी थाना क्षेत्र के गढ़ी कस्बे का है, जहां पर 12वीं की जो छात्रा थी उसे पढ़ाई करने के दौरान गेहूं में रखने वाली जो दवाई होती उसको पी लिया। बेसुध हालत में जब वो कमरे में छात्रा दिखाई दी तो परिजनों ने उसको प्रतापपुर कस्बे के चिकित्सालय ले गए, जहां पर गंभीर अवस्था में बांसवाड़ा रेफर किया गया, जहां पर एमजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गढ़ी थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अभी हाल फिलहाल में जो आत्महत्या इस छात्रा ने की, उन कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस परिजनों से जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आत्महत्या का क्या कारण था। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और कोशिश की जा रही है ये जानने की कि आखिरकार आत्महत्या के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं।